ढूंढते 4 किलोमीटर एक्स्ट्रा निकल गए। अब यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा, पूरे इंडियन आर्मी के अंदर आता है ना, टेरिटरी के अंदर आता है। अरे भागोगे तो नहीं लेके बात तो नहीं रहा। फिर से देखियो, पता नहीं कहाँ आ गया मैं यार, कुछ आइडिया नहीं है। ओ भाई बारिश, इतनी तेज बारिश कब होगी भाई? ओ यार ये तो भाई गूगल मैप ने दुखी कर दिया भाई। यहाँ ट्रैफिक तो है, मेरे को उससे प्रॉब्लम नहीं है, बट जो है कि बंदे हैं इनको थोड़ा सेंसर नहीं है बाइक चलाने, गाड़ी चलाने का। इस जगह पे हम रुक रहे हैं ना भाई, कुछ ऐसा व्यू आ रहा है एकदम जंगल में। वंस अगेन, तो भाई अभी देखो देहरादून में 3 बज रहे भी और मौसम ऐसा हो रहा ना कि बता नहीं सकता बारिश वाला। मेरा मसूरी जाने का प्लान था, तो मैं एक डिसाइड किया कि रास्ते में ना कहीं बीच में रुक लेंगे जहाँ से मसूरी भी पास पड़े और ये भी पास पड़े। तो एक डेस्टिनेशन है जहाँ 15 किलोमीटर दूर है यहाँ से, दोनों के एकदम नियर बाई है, मसूरी के भी और जिस लोकेशन पर हमें आना है कल वहाँ से भी। तो मैं सिर्फ वहीं जाता हूँ और कल सुबह यहाँ थोड़ा जल्दी आना पड़ेगा मेरे को, 12-1 बजे के टाइम पर यहाँ पर मेरी वो है रेस है। क्या कर रहा है ये गाड़ी वाले, क्या करते हो यार ये? कोई कहीं भी ब्रेक मार देता, समझ नहीं आता भाई इनका। अभी मैंने एक नेविगेशन लगा दिया, चलते हैं मसूरी साइड। अगर यहाँ रास्ते में कहीं रूम नहीं मिला तो मसूरी जाके वापस में देख लेंगे भाई, पर मसूरी जाना है मेरे को किसी भी हाल में। आज भी देखते हैं, पहले यहाँ ट्रैफिक से निकलूँ मैं देहरादून में। देहरादून का बहुत गंदा ट्रैफिक है मेरे भाई। यहाँ ट्रैफिक तो है, मेरे को उससे प्रॉब्लम नहीं है, बट जो है कि बंदे हैं इनको थोड़ा सेंसर नहीं है बाइक चलाने, गाड़ी चलाने का। कहीं भी ब्रेक मार देते हैं, खासकर यहाँ पर जो ऑटो वाले, ऑटो नहीं सॉरी विक्रम वाले, इसका जैसे हमारे उधर ऑटो वगैरह टेम्पो वगैरह रिक्शा वगैरह होते हैं ना, इनके यहाँ विक्रम कहा जाता है इन्हें। तो इस पे भाई ने सेंस नहीं है, कभी भी ब्रेक मार देते हैं, कभी भी रुक जाते हैं, सवारी दिखी नहीं और ब्रेक मार दिया मोड़ दिया। अगर वो निकल गई फिर फायदा है ना, ऐसे ले जा कोई फायदा नहीं है। निकालो, निकल जाएगी। उतरे मुकुल हेल्प कर दे, मैं निकालता, रुको दो बंद कर दो। अरे भागोगे तो नहीं लेके लो, कहीं नहीं भागने वाला। अरे भागोगे तो नहीं लेके, मैंने पैदल ही निकाल दी, मैं छोड़ यार फिर और आगे कर रहे यार, तो क्या कर रहा है? हाँ अरे यार ये कहाँ का दिखा रहा है, इधर को जाना है। ये किस साइड जाना है दिखाई से, पागल हो गए क्या? मैप भी वो ये कह रहा हूँ, कभी क्या दिखा रहा है, कभी क्या दिखा रहा है, पकड़ से। ट्रैफिक भी इतना है ना भाई देहरादून में, समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है। ऊपर से यार वो कह रहे कि भागोगे तो नहीं लेके, मेरे को 2 मिनट बाद समझ आया कह रहे एक्टिव लेके भागोगे तो नहीं। मैं का टेंशन आ लो, ये मेरी बाइक रखी, मैं लो पैदल लेके आता हूँ फिर। लेफ्ट है राइट है, पहले किधर दिखा रहा था? हाँ ठीक है मैं समझ गया, मैं देहरादून का ये वाला हिस्से में आ रहा हूँ और पहली बार मेरे को पता लगा कि देहरादून में भी थोड़ा अच्छे अच्छे एरिया है। इससे पहले मेरे को आइडिया था कि ऐसे मतलब रोड वगैरह और ऐसी लाइटें वगैरह फैसिलिटीज है, बट यहाँ पर ओवरटेक नहीं करना। आगे मेरे को बैरिकेडिंग दिख रही है, कहीं धरधुरा लेंगे सीन फंस जाएगा। वैसे अच्छा है यार ये देहरादून का अंदर कैसा ना, मेरे को इतना आइडिया नहीं था कि देहरादून कितना सही लगता है, बाप रे। आगे गाड़ी रुक रखी है, क्यों रुकी है कोई आइडिया नहीं है, बट रुकी हुई है। ओ एक्सीडेंट हो गया गाड़ी का। तो यार अभी ना सबसे पहले हम रूम ढूंढ रहे हैं, मैं सोच रहा है थोड़ा ना हिल स्टेशन टाइप की जगह में जाओ। अब मैं जा रहा हूँ उस लोकेशन को फॉलो करते हुए, देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं। वैसे मेरे को कुछ आइडिया नहीं है, जा तो रहा हूँ मैं, वापस भी मैं निकल जाऊँगा यहाँ से, बट रूम नहीं मिल पाएगा उसका तो फिर दिक्कत हो जाएगी, बारिश भी आने लगी है। जा रहे हैं भाई हम, पता नहीं किस गुप्त रास्ते से जा रहे हैं गूगल मैप के थ्रू। लोकेशन है ना सही देहरादून से तो सही है, बट मैं कह रहा लोकेशन सही तो जा रही ना, हाँ पता लगे हम भटक जाए फिर कहीं ना कहीं ना रहे, ना रूम मिले ना कुछ, रात भर भटकना ही पड़ेगा। यार ये गाड़ी वाला ना ये निकल रहा ना वो निकल रहा है, समझ नहीं आती बात, क्या करते हैं ये। लोकेशन ढूंढने के चक्कर में रास्ता भटक के पता ही चल रहा कहाँ जा रहे हैं। तो यार हम ना लोकेशन में तो आ गए थे, ढूंढते ढूंढते 4 किलोमीटर एक्स्ट्रा निकल गए।
अब यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा, पूरे इंडियन आर्मी के अंदर आता है ना, टाइटेरी के अंदर आता है, तो टाइटेरियम टाइटेनियम आर्मी छोड़ो जो मर्जी हो, साइड में पहाड़ मस्त लग रहे थे, पर यहाँ से बाहर निकल जाऊँ मैं एक बार ना। कहाँ जाना है यहाँ से? हैं सीधे दिखा रहा है, कर क्या रहा, घुमा तो नहीं रहा, फिर से देखियो, पता नहीं कहाँ आ गया मैं यार, कुछ आइडिया नहीं है भाई। दे रहे थे उनकी ज़्यादा ही बेइज्जती कर रहे थे वो यार, ये तो भाई गूगल मैप ने दुखी कर दिया भाई, मैं ना यहाँ तो आ गया बट गूगल मैप रास्ता नहीं दिखा रहा बाहर का, अब क्या करें, इधर दिखा मैप दिखा, गूगल मैप ने दुखी कर दिया भाई। ओ यार गूगल मैप, बाहर निकलना है, जंगल में फंस गए भाई हम, भाई फंस गए हम, गलत फंस गए, बंदा फंसा दिया गूगल मैप ने, वापस मोड़ना पड़ेगा गूगल मैप ना रुला के रखेगा, मैं एकदम स्टार्टिंग से जाता हूँ, जहाँ से हमने गड़बड़ की थी ना वहीं जाते हैं। अब बहुत हो गया भाई गूगल मैप की वजह से ना, पता नहीं कहाँ आ गए हम, किस जंगल में आ गए, सारी आर्मी का एरिया गए, यहाँ पर अलग अलग रेजिमेंट है, एक उत्तराखंड है, एक गोरखा रेजिमेंट है और एक कुमाऊं रेजिमेंट है, तीन रेजिमेंट का एरिया है पूरा। तो भाई हम आ गए, अब एक गढ़वाल राइफल्स भी इधर ही, ट्रैक्शन बंद कर भाई पहले, यहाँ ट्रैक्शन ऑन रहेगा तो मेरा टायर से वो भाई गूगल मैप किसी काम का नहीं है, आज के बाद कभी गूगल मैप के भरोसे नहीं आना गूगल भाई कहाँ आ गए समझ ही नहीं आया है ना अगर मैं पता करते करते आता ना भाई, मैं नहीं भटकने वाला था भाई, बारिश इतनी तेज होगी ना भाई, सच्ची कह रहा हूँ मैं, बड़े गीले हो गए, सब कुछ गीला हो गया भाई, यहाँ बुरे हाल हो गए, पता नहीं कहाँ पहुँच गया मैं देहरादून के अंदरूनी जगहों में, तो बारिश इतनी खतरनाक हो रही है यार, सिट बताता हूँ मैं ना अपना रास्ता भटक गया था और बहुत ज़्यादा दूर आ गया हूँ, जहाँ जहाँ मेरे को मतलब रूम वगैरह मिलने थे और जहाँ मेरा भाई रहता वहाँ से भी, तो जो आगे एक्टिवा मैम जा रहे ना, इन्होंने कहा कोई नहीं हम आपको वहाँ तक ड्रॉप कर देंगे जहाँ तक रूम मिल जाएगा आपको, तो अभी हम जा रहे हैं वहीं उन्हीं के पीछे पीछे जा रहा हूँ भाई मैं, क्योंकि मेरे को कुछ रास्ते तो पता है नहीं इधर के, भूल भुलैया है भाई यहाँ देहरादून सच्ची कसम से, ना यहाँ पर बोर्ड लगा रखे साइन बोर्ड किस साइड जाना किस साइड नहीं जाना, बस मन मर्जी है, जहाँ आपको सही लगता जाओ, जहाँ नहीं लगता ना जाओ। भाई आ गया मेरा छोटा भाई लेने के लिए 220 पता नहीं किसकी मांग के, चलो आ तो गया भाई, बुरे हाल हो गए थे, ठंड लग रही भाई मेरे को तो कसम से, भाई धीरे चलाइए 220 है वो, कैसे बताऊं से 220 है, बजाज है बजाज, ठंड लग रही है कि सीरियसली ठंड लग रही है, अगर ट्रैफिक और यहाँ के राइडर एक जैसे हैं, मैं भी यहीं का बन जाता हूँ फिलहाल के लिए, ठंड लग रही भाई क्या करे, ठंड ठंड, ओ भाई भाई ये तो वही जगह है यार, ओए भाई मैं यही आ गया था पहले, बता तेरे को ये यही आ गया था पहले मैं, यार यही से आया था ऊपर यार, हद होगी और क्या, पहले मैं यहीं से गया वापिस, बता तेरे को, अब मेरे को कल से छोड़ने आ जाओ चुपचाप से मेन रोड तक, मेरे को रोड ही नहीं पता लग रही है, एक सेकंड पहले साइड जगह दे दे जाने की, भाई यहीं से आया मैं, हाँ हाँ राइडर चल ठीक है, मैं कह रहा पहले मैं इसी रोड से आया था मेरे भाई, यहाँ आगे मैंने एंटो को आगे मेरे को बाहर तक छोड़ दो, बेचारी मेरे को छोड़ने पहुंच गई बाहर राइडर बन गया है मुकुल, ये भी राइडर बन गया मेरे भाई मेरा छोटा भाई भी राइडर बन गया, हाँ हम वापिस ले गए थे उस टाइम पे, अरे भाई छोड़ यार, तो अब ये चीज ना रिकॉर्ड करवा, भाई छोटा मेरा भाई राइडर बन गया, चला रहा बढ़िया चला रहा बाइक, बट ये बारिश के टाइम पे ओवर रिस्क ले रहे हैं, देख के छोटे ओ बैठ की आंख, ट्रैक्शन ऑन था बच गया भाई, भाई मैं बोलूं भाई के मिस क्यों मारे, टायर निकल रहा था इसका, ओ भाई बारिश इतनी तेज बारिश कब होगी भाई, पता नहीं रिकॉर्ड हो रहा कि नहीं हो रहा, वाट लग गया सीरियसली कह रहा हूँ मैं, ओ भाई भाई भाई
आज मुकुल सब कुछ गीला कर दिया इसने, कपड़े भर के लाया था वो भी नहीं बचे होंगे, सुखाने पड़ेंगे रात को सारे। यहाँ पता नहीं कहाँ लेके आए बारिश में। भाई ये है वो लोकेशन, ठंड से ना के ठंड में मार दे भाई। ये है भाई मेरा छोटा भाई ऋषभ, इसने ठंड में वाट लगा दी भाई। तो लोकेशन बड़ी प्यारी है, कल दिखाऊंगा यहाँ का आसपास का एरिया। आज के लिए हम यहीं पर करते हैं सब कुछ बंद, रूम चलते, ठंड के बहुत होगी बॉडी में। इस रात की हमारी जो आज हम जहाँ स्टे कर रहे हैं ना वो लोकेशन कुछ ऐसी है भाई। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ जिस जगह पे हम रुक रहे हैं ना भाई, कुछ ऐसा व्यू आ रहा है एकदम जंगल में। तो मुकुल कैसा लग रहा भाई? मज़ा आ रहा है। ये मेरा छोटा भाई है भाई, इसकी वजह से हमें ऐसे लोकेशन में रुकने का मौका मिला, रिश्ता है भाई। तो अभी ना फटाफट हम एक जगह जा रहे हैं, चाय पी के आते हैं और लोकेशन देख लो भाई। अगर किसी को स्टे वगैरह करना तो इसका कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, इसे कॉल कर लेना, यहाँ का प्राइस वगैरह इसी से पता कर लेना। तो भाई इतना प्यारा वेदर और ना, मैं आपको बता देता हूँ ये लोकेशन ऐसी है ना भाई, यहाँ पर सिर्फ पंकज ड्यूटी पर रुक सकता है। ये भाई अपना छोटा भाई ऋषभ, अभी वो भाई देख देख के भाई गिर ना जाइयो। तभी ना ये लेके जा रहा है एक लोकेशन पे, कह रहा है यहाँ चाय चुई मिलती है और वहाँ पर हैंग आउट करने के लिए मस्त प्लेस है।